वेलकम टू महागौरी पेंटिंग्स। फ्लावर हमने ट्रेस कर लिया है। ट्रेसिंग के बाद हमने जो कलर यूज़ करने हैं, दिस वन इज़ स्काई ब्लू, दिस वन इज़ सेरुलियन ब्लू एंड दिस वन इज़ वाइट। अब हम ये तीनों कलर्स को यूज़ करके अपना फ्लावर पेंट करेंगे और इसके लिए हम फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहे हैं। 4 नंबर का फ्लैट ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं इस फ्लावर को पेंट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डार्क कलर से इसका सेंटर पार्ट बनाएंगे। आफ्टर दिस हमने ब्रश को वॉश नहीं करना और यहीं पे वाइट कलर लगा के उसी ब्रश पे इसको हल्का सा लाइट कर देना है। अब हम लेंगे स्काई ब्लू और आउटर बाउंड्री पे इस तरह से अंदर की तरफ स्ट्रोक्स लगाएंगे। पहले आउटलाइन देंगे फिर अंदर की तरफ स्ट्रोक्स लगाएंगे। हम ब्रश को वॉश नहीं कर रहे हैं ताकि शेडिंग मिक्स आती जाए। सेम वे इस साइड से हम अंदर की तरफ स्ट्रोक्स लगाएंगे। जब तक हमारा पूरा कलर जो हमने फैब्रिक पे लगाया है वो अच्छे से फैब्रिक में मर्ज ना हो जाए, तब तक हम ड्राई ब्रश को भी उस पर चलाते रहेंगे लाइक दिस। ठीक है, अब हम सेरुलियन ब्लू को बिल्कुल टिप पे लेंगे और फिर से फ्लावर के पेटल की बाउंड्री के साथ साथ चला के इनर से आउटर की तरफ हम स्ट्रोक्स लगाएंगे फ्लैट ब्रश से। अब हम ब्रश को थोड़ा साफ करके उसके बाद ड्राई ब्रश को डार्क कलर से पे चलाते रहेंगे ताकि जितना भी कलर फैब्रिक पे लगा है उसकी स्ट्रोक्स लग जाएं, कलर मर्ज हो जाए और शेडिंग अच्छी आए। नाउ विल टेक वाइट कलर और इसकी आउटर बाउंड्री पे हम वाइट कलर की स्ट्रोक्स देंगे लाइक दिस। सेम वे अब हम फिर से डार्क वाला ब्लू कलर जो सेरुलियन ब्लू है हमारा उसको लेंगे और इस तरह बाहर की तरफ स्ट्रोक्स। आप देखिए मैं बहुत कम कलर लगा रही हूँ क्योंकि अगर हम कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जो हमारा फैब्रिक है सूट दुपट्टा कुछ भी वो बहुत हार्ड हो जाता है। और आपको जब लगे कि आपका पेंट हार्ड हो रहा है तो आप एक ड्रॉप वाटर में ब्रश को टच करके उसको क्लीन करके कपड़े से फिर से उस पर फैब्रिक पे चलाइए ब्रश को। सेम वे अब हम वाइट से आउटर से इनर की ओर स्ट्रोक्स लगाएंगे। अब हम नेक्स्ट यहाँ से डार्क कलर इसमें थोड़ा सा वाइट मिक्स करेंगे। और ऊपर की तरफ हम स्काई ब्लू का टच देंगे। ये देखिए ब्रश को हमने तब तक स्ट्रोक्स चलाती रहने हैं जब तक कि कलर अच्छे से मर्ज ना हो जाए लाइक दिस। हल्का सा वाइट लिया और यहाँ पे लगा के वाइट से स्ट्रोक्स लगा दी। बाउंड्री को क्लियर करने के लिए मैंने थोड़ा सा सेरुलियन ब्लू लेके फिर से उसको टच दे दिया।
सेम वे हम सारे पेटल्स को पेंट करना शुरू कर देंगे।
अब हम लीव्स पेंट करेंगे। लीव्स की शेडिंग के लिए हमने दो कलर्स लिए हैं, लाइट में लिया है हमने ग्रीनरी कलर और डार्क में हमने लिया है सैप ग्रीन। अगर आप चाहें तो डार्क कलर के लिए डार्क ग्रीन भी ले सकते हैं, लाइट ग्रीन भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सैप ग्रीन और ग्रीनरी दो शेड्स लिए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइट कलर से सेंटर लाइन ले लेंगे लीफ की और आउटर स्ट्रोक्स लगानी शुरू कर देंगे। मैंने फ्लैट ब्रश ही यूज़ किया है 4 नंबर का और सेम ग्रीनरी कलर लेके हम ये ऑपोजिट साइड जो लीव की है उसको आउटलाइन देके अंदर की तरफ लाइट वाले ग्रीन कलर के स्ट्रोक्स लगाएंगे लाइक दिस। इसके बाद हम सैप ग्रीन कलर में डिप करेंगे अपने ब्रश को और आउटलाइन देंगे सैप ग्रीन से। फिर सेम वे में ऊपर की टिप से स्टार्ट करते हुए अंदर की तरफ स्ट्रोक्स लगाने शुरू कर देंगे। कलर बहुत कम लगाना है अपने ब्रश पे हमने, ताकि हमारे फैब्रिक पे जो कलर की लेयर है वो ज़्यादा थिक ना रहे। हम स्ट्रोक्स लगाते रहेंगे जब तक कि हमारा कलर अच्छे से मर्ज ना हो जाए। देखिए इस तरह से सेम वे अब हम सैप ग्रीन लेंगे और इनर लाइनिंग लगा के इसके स्ट्रोक्स हम बाहर की तरफ लगाने शुरू कर देंगे। इनर लाइन और उसके बाद स्ट्रोक्स लगाने शुरू कर देंगे। तो ये हमारा लाइट एंड डार्क शेडेड लीफ रेडी हो जाएगा। इस तरह से हमारा लीफ कंप्लीट हो गया।
ये देखिए हमारा फ्लावर और लीव्स बनके रेडी हैं। इस तरह की शेडिंग करके हम अपने सूट, दुपट्टा, साड़ी, टेबल क्लॉथ, ड्रेसेस कुछ भी पेंट कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।